नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में पिछले 24 घंटे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आंकड़ा जारी किया है कि पिछले 24 घंटे में केवल 787 नए मामले दर्ज किए गए हैं, 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ओमान में टोटल संख्या की बात करें तो 2,02,137 तक कोविड मामले पहुंच चुके हैं, लेकिन 1,85,607 लोग पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2,138 तक पहुंच चुकी है। देखिए, सल्तनत में सुप्रीम कमेटी के हर रूल को हमें फॉलो करना है। सरकार जो भी डिसीजन ले रही है उसके साथ हमें चलना है। सरकार ने अभी दिन में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद रखा है, जो ज़रूरत की दुकान है उसी को खोलने की परमिशन है। रात में गतिविधियां बंद हैं और इसी का नतीजा है जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अचानक से संक्रमण जीरो नहीं होगा, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स लगाए जा रहे हैं, उसी के बदौलत आज संक्रमण रेट कम हुआ है और आने वाले समय में ये रेट और भी कम होगा। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद बिन सैफ अल हुसैनी ने बताया है कि फाइजर एंड बायोटेक कंपनी का जो सेकेंड डोज लगाया जाना था, उस सेकेंड डोज को अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, क्योंकि जो उपलब्ध खुराकें हैं उनको और व्यक्तियों को दिया जाएगा। और जब जून में 15 लाख से ज़्यादा ओमान में डोज वैक्सीन की आ जाएगी तो बड़े मात्रे पे एकदम बृहद तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम की तैयारी एकदम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर रही है। जो भी स्टेडियम है, स्कूल्स हैं और बड़े बड़े जगहों को ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। बस इंतज़ार है कि जून में जो वैक्सीन है वो ओमान में जल्द से जल्द पहुंचे और ओमान में लगभग 70% आबादी को वैक्सीन देने का लक्ष्य मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रखा है। कतर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 28 मई से कतर में जो कोविड 19 के वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था, जो व्यावसायिक गतिविधियों को बंद किया गया था, उसको धीरे धीरे उठाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी। 4 चरणों में ये जो कोविड 19 के जो गाइडलाइंस है इसको ढील दी जाएगी। ओमान में स्थित भारतीय दूतावास और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सहयोग से एक बहुत ही अच्छा भारतीय प्रवासियों के लिए न्यूज़ आ रही है कि ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर जो हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस कंसंट्रेटर से ही व्यक्ति को सीधे ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, इसको रिफिल करने की ज़रूरत नहीं है। और ओमान में यदि कोई भारतीय की तबीयत खराब होती है, सीरियस होता है, तो उसको जो ऑक्सीजन के जो ये कंसंट्रेटर हैं मुफ्त में दिए जाएंगे, उसके पूरे इलाज तक ये कंसंट्रेटर का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ओमान में स्थित भारतीय दूतावास के मदद से दोनों लोगों ने मिलकर कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है। ओमान में 1 मिलियन ओमानी रियाल से अधिक के खर्च पे जो ओमान में कम आय वाले लोगों के लिए आवास बनाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर हुआ है। जिन परिवारों की आय कम है उन लोगों को ये आवास आवंटित किया जाएगा। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने एक ऑनलाइन बयान जारी करते बताया है कि ओमान में अलग अलग जगहों पर तेज बारिश की संभावना है, साथ में ओले गिरने की भी चांस है। दोफार, साउथ अलबतीना, दखलिया और नॉर्थ अल सरकिया के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की है। यदि आप इन इलाकों में रहते हैं तो सावधानी से रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए। ओमान में इस समय जो राजनयिक हैं, जो दूतावास से संबंधित अधिकारी हैं और जो हेल्थ वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में काम करते हैं, इनके परिवारों को या इन व्यक्तियों को अभी ओमान में जाने की परमिशन है। सुप्रीम कमेटी ने इनके परिवारों को, यदि ये लोग ओमान पहुँचते हैं, तो उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहने का एक निर्देश दिया है, ताकि ओमान में संक्रमण की कहीं से भी कोई लीकेज ना हो, समाज में संक्रमण और न फैले। इन लोगों को सख्त निर्देश मिला है कि ये लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहेंगे विद फैमिली, और अभी दूसरे सभी नागरिकों को, सभी यात्रियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, खास करके भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क हैं जहाँ से ज़्यादा प्रवासी वर्कर ओमान में जाते हैं। अभी भी इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कमेटी इन देशों के यात्रियों के ऊपर प्रतिबंध कब हटाती है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।